सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजार दी जिसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती थी मैं। सारी जिंदगी नजरें नीचे करके गुजारी, लेकिन आज अगर वो सामने आ जाए ना, तो मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका सामना कर सकती हूँ। क्योंकि जो गलतियां मुझसे हुई उसकी सजा मैं भुगत चुकी। तुमने तो कोई गलती भी नहीं की। तुम्हें तो चाहिए कि तुम उमेर के सामने जाके बैठो, उससे आंखों में आंखें डालकर बात करो, ताकि उसे भी अंदाजा हो कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसे उसने घर से निकाल दिया था। तुम वो जायरा हो जो पूरे इत्मीनान है, खुद मुख्तार है, मजबूत लड़की है। डैड, आप नाश्ता करने नीचे नहीं आए? नहीं उमैर, मैं आजकल नाश्ता जो है वो कमरे में कर लेता हूँ, ताकि मैं तुम लोगों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करूं। डैड, आप मुझसे नाराज है क्या? क्यों? तुम ये बात क्यों कर रहे हो? आपका लहजा कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है। काफी दिन से हमारे से इतना बात भी नहीं हुई, और इसलिए मुझे लगा शायद आप नाराज हैं। अच्छा, डोंट यू थिंक कि तुमने थोड़ा लेट रियलाइज किया? नहीं, सॉरी डैड। नहीं बेटा, नहीं, सॉरी नहीं बोलना। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसी के भी सामने तुम्हें सॉरी बोलता नहीं देख सकता। एक बात कहूं, जो इंसान अपने आप से नहीं जीत सकता ना, वो किसी से नहीं जीत सकता। जिंदगी तो गम, मुश्किल, खौफ, अजियत में गुजारी जाती, जैसे मेरी कट गई। लेकिन अगर हिम्मत करोगी बेहतर जिंदगी गुजार पाओ। कहाँ जा रही हो? कुछ बुरा लगा? नाश्ता करके जाना। बस उबैर, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। एक्चुअली बेटा, मेरे पास तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है। डैड, हम
आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप क्यों मेरी फिक्र कर रहे हैं? उबर, तुम्हारी माँ एक धोखेबाज औरत थी और यही कुछ जायरा ने तुम्हारे साथ किया और तुम अब भी यही गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं है सोया, बिल्कुल भी वैसी नहीं है। मैं भी पहले उसको मिसअंडरस्टैंड करता था, लेकिन ये बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, मेरा बहुत ख्याल रखती है, ना लड़ती है, ना बहस करती है, ना जिद करती है। इनफैक्ट जैसा मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल वैसी ही है। Come on, my sweetheart. कुछ ऐसा ही तुम जायरा के लिए भी कहा करते थे। I know that. लेकिन इंसान गलतियों से तो सीखता है ना। सच पाए तो ये है कि ये मुझे खुश रखने की कोशिश करती है, तो फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं इसका ख्याल रखूं। आई नो कि मेरी आप किसी इतना बात भी नहीं हो रही, लेकिन डैड मैं एक बेटे के साथ साथ एक शौहर भी हूँ, बस यही कोशिश करता है तो किसी तरह ये दोनों रिश्तों को बराबर लेके चलूं। आज ठीक है, लेकिन उमेर अगर बीवी को बाप के बराबर करोगे तो वो खुद को तुम्हारी मां समझना शुरू कर देगी। ये मेरी नसीहत है उमेर। याद रखना इसे, उसे उसकी लिमिट्स पर रखो। तुम चलो, मैं आता हूं। ओके डैड। अच्छा, आप सब तैयार हो चुके हैं? ओके, आप सब जाइए, मैं भी आ। जी सायरा ही तकलीफ में थी। एनीवे, भेजिए।